श्री माँ से बना मदीना है, और माँ ने और जिसने माँ की कदर न जानी वो बेटा नहीं कमीना है। हेलो मन हजार होते हैं। तो कहना है फिल्मी दुनिया वालों की ओर से एक तरजाई है भैया, सुनिए कौन सी। कि तूने कहा था गोरी की रोज मुझसे, जो है
रही थी, घूम रही थी, घूम रही थी। विसरण करना यानी घूमना। तो घूम रही थी दादा, तो जब भोलेनाथ की नजर श्री राम पर पड़ी, अपने आराध्य पर पड़ी, तो आज भक्तों क्या हुआ, भोले बाबा ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। जब नमस्कार किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके भोले बाबा ने, तो ये बात सती जी को अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी। दादा थोड़ा ध्यान देते चले, कैसे सोए सोए खोए खोए से बैठे हो, थोड़ा सुस्ती में ना रहो, अच्छे से बैठ जाओ, जो कि हम सबका मन लगता रहे। आप लोग सो जाओगे तो उससे पहले हम लोग सो जाएंगे। तो मैया सती को ये बात अच्छी जब नहीं लगी, तो सती जी ने कहा, हे स्वामी, ये आप नन्हे नन्हे से राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो, आप तीनों लोगों के स्वामी हो करके मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हो, ये बात तो मेरी समझ नहीं आई। तो उसी समय भोले बाबा से जब इतना कहा है पार्वती ने, यानी सती जी ने, तो भोले बाबा कहने लगे, इसमें कोई संकोच की बात है, ये हमारे आराध्य है और ये अपनी पत्नी सीता की खोज में बन बन भटक रहे। जब इतना कहा तो सती जी ने कहा, यदि भगवान है, राम है, तो इन्हें तो ये भी पता होगा कि सीता इनकी कहाँ है, और यदि भगवान ही है तो ये अपनी पत्नी के ब्रह में इतना रो रहे हैं, भगवान कहीं रोते हैं नहीं। जब इतना कहा तो सती जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। सती जी ने कहा कि यदि यही बात है तो मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ स्वामी। भोले बाबा ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो जाकर के, यदि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो परीक्षा ले सकती हो। तो परीक्षा लेने के लिए सती जब चली, इधर भगवान राम बन बन में सीते की खोज करते हुए आगे बढ़े हैं भक्तों। क्या हुआ, क्या हुआ, इधर गीत कह रहा है भक्तों, क्या ये पहली नारी, ये दादा मैं बात बता दूं कि ये जो मैं नारी की गिनती करवा रही हूँ, तीन नारियां, यानी तीन, वो भी एक ही राशि की हैं, एक ही राशि की तीन नारी, वो कौन कौन सी है दादा, जरा सुनिए। पहली नारी इधर सती जी परीक्षा लेने के लिए चली, क्या हुआ, बोली कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, अरे फिर भी शीश झुकाते हैं, अरे नारायण है तो कहे नारी के गम में, नारायण है तो कहे की है मारी, वो से
लेती है परीक्षा श्री राम की। भोले बाबा ने देखा पहचान गए, श्री राम ने देखा तो पहचान गए। सीते का भेष बना करके सती जी राम के सम्मुख पहुंची, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा माते भोले बाबा कहां पर विराजे हैं और आप इस वन वन में क्या कर रही हो अकेली। तो सती जी का सर शर्म के मारे नीचे झुक गया, जवाब नहीं आया। अब सुनिए दूसरी नारी, यानी भीलनी सबरी, जिसे सबरी कहा गया है भक्तों, मतंग ऋषि की जो शिष्या थी सबरी। आइए गीत कह रहा है कि मन मतंग मस्ती करने लगी और चुन चुन कलियों से प्रभु राम के लिए रास्ता सजोने लगी है। भक्तों क्या हुआ, कि मन मतंग मस्ती में मतंग था तो भीलनी को बतलाया है, आएंगे राम एक दिन हाँ मिलने, सभी थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब मतंग ऋषि कह गए थे सबरी से कि तुम्हारी कुटिया में एक दिन श्री राम अवश्य आएंगे, तो उस दिन से बेचारी सबरी चुन चुन के फूल लेकर के आती है और रास्ता सजाती है, प्रभु राम का इंतजार कर रही है। और बोली क्या, वो भक्ति की मारी थी भीलनी बिचारी, भगवान राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है, और तीसरी नारी आई है। भैया बताते हैं
गीत कह रहा है, तीसरी नारी वो कौन है? तीसरी नारी थी सूपनखा, सूपनखा रावण की बहन, सूपनखा। तो आइए कहना है, बन बन के आई प्रतिशोध बोले मौसम नारी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ और उद्देश्य एक एक ही है। आपकी पत्नी का हरण रावण ने किया है और मेरे भी पति को रावण ने ही मारा है, तो इस रावण को इस धरती से खत्म करना मेरा उद्देश्य, इसी उद्देश्य से मैं आई हूँ। तो बोली क्या, ¡Opa!